कि सीधा बंद बढ़ रहे निकला दोनों स्लिप के बीच, किसी ने नहीं किया रिएक्ट और शुरुआत चौके के साथ। सेकेंड स्लिप पे कौन है, लो बाउंस वाली पिच है, सेकेंड स्लिप का फील्डर आगे होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट स्लिप पे तो खड़े विराट कोहली, सेकेंड स्लिप पे गिल है, थोड़ा सा आगे आके शायद वो डाइव मारते पर मेरे ख्याल आगे ज्यादा उछाल है नहीं पिच पे। दोबारा गैप में खेला वार्नर ने, स्क्वायर बाउंड्रीज लंबी है, जडेजा जीत जाएंगे रेस ये, लेकिन वो बहुत बड़ा पल, पहला गेंद और मौका बनाया था वहां पे, मुश्किल था और ये प्लान के मुताबिक ही बार फील्डिंग इफेक्ट है, एक बार कैच था उसको कवर ड्राइव करी, वहां डाइव मारने पड़ी वहां जडेजा को, ट्रैविस हेड स्ट्राइक पे, राउंड द विकेट बुमराह, दो फील्डर 30 गज के बाद दोनों लेग साइड पे, तो इनको भी उसी लाइन पे डालना, स्लिप थोड़ी बाहर गई है, ये अच्छा शॉट है ट्रैविस हेड का, ऑन द राइज एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका, ये बड़ा विकेट होगा ये बल्लेबाज ढूंढा, चार मिले यहां पे बेहतर, ये ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को हॉरिजॉन्टल बैट से ना दूर रखते हैं, कट पुल से दूर रखते हैं, लेकिन ये वो पिच है, ये पहली एक दो ओवर के बाद आप वो लेंथ उस तरीके की रखे, ये बल्लेबाज स्टैम्प्टो आड़े बैट से बल्लेबाजी करने के लिए, हॉरिजॉन्टल बैट से बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उछाल नहीं है, थर्डमन नहीं है, थर्डमन को ऊपर लेके आ गए, डेविस को अलग फील्डर, बाउंसर का प्लान हो सकता है बीच में, अच्छी शॉट, बढ़िया शॉट, शायद बल्ले के बीच में नहीं आई पर रन पूरे मिलेंगे चार, महंगा ओवर लेकिन पहले गेंद से बॉलर भी जानते क्या कर सकते हैं, आउट पास मैच विनिंग बॉलर्स हैं, बेशक थोड़े से कम रन बनाए हो लेकिन पता आपके पास ऐसे गेंदबाज जो आउट कर सकते हैं और आउट किया डेविड वार्नर को, हमने पूरे गेंद ये जरूर बाय के रन मिलेंगे, शोर शोर इस वक्त उम्मीदें जगी हुई, तारीफ होगी उनकी कप्तानी की तारीफ होगी, खैर बल्लेबाजी में वो जिम्मेदारी ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे जानते मोहम्मद शमी यहाँ से खेलते हैं, चार रन मिलेंगे कुल 5 रन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, थर्ड मैन ऊपर और वो ऑफ साइड पे बाउंड्री लाइन पे स्क्वायर पे एक फील्डर जो आपको सपोर्ट करेगा, अच्छी फील्ड है ये, अच्छी फील्ड है, दो स्लिप लगा कर रखी है, थर्ड मैन पॉइंट एक डी पॉइंट कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि चौका जल्दी जल्दी मिल जाए तो गेम खत्म हो जाएगा, आप चाहते हैं वो डॉट बॉल आए, दबाव बनाए, मेडन ओवर यहाँ पे आए तभी मैच में मजा आएगा, इसलिए फील्डिंग बहुत ज्यादा, इकोनॉमी भी 9 विकेट है और अभी ट्रैविस हेड के आगे 28 पे एक ओवर के बाद पीछे, बॉल मूव किया है, बॉल हिला है,
बॉल मूव हुआ है, शायद पहली बॉल भी इतना ना हिला हो, धीमा पिच था, पर यहाँ तापमान में गिरावट, ड्यू आएगी थोड़ी बहुत तो पेस बढ़ गई, रफ्तार बढ़ गई ऑफ द पिच। Sometimes even the bits are half. मुश्किल था और ये प्लान के मुताबिक ही क्या क्रॉस
फील्डिंग इफेक्ट है, एक बार कैच था उसको कवर ड्राइव करी, वहां डाइव मारने पड़ी, वहां जडेजा को ट्रैविस हेड स्ट्राइक पे, राउंड द विकेट बुमराह, दो फील्डर 30 गज के बाद दोनों लेग साइड पे, तो इनको भी उसी लाइन पे डालना, स्लिप थोड़ी बाहर गई है। ये अच्छा शॉट है ट्रैविस हेड का, ऑन द राइज, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका, ये बड़ा विकेट होगा, ये बल्लेबाज मुंडा, चार मिले यहां पे, बेहतर ये ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को हॉरिजॉन्टल बैट से ना दूर रखते हैं, कट पुल से दूर रखते हैं, लेकिन ये वो पिच है, ये पहली एक दो ओवर के बाद आप वो लेंथ उस तरीके की रखे, ये बल्लेबाज स्टैम्प्टो आड़े बैट से बल्लेबाजी करने के लिए, हॉरिजॉन्टल बैट से बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उछाल नहीं है, थर्डमन नहीं है, थर्डमन को ऊपर लेके आ गए, डेविस को अलग फील्डर, बाउंसर का प्लान हो सकता है बीच में, अच्छी शॉट, बढ़िया शॉट, शायद बल्ले के बीच में नहीं आई, पर रन पूरे मिलेंगे चार, महंगा ओवर के साथ लेकिन पहले गेंद से बॉलर भी जानते क्या कर सकते हैं, पहली ओवर पे दिया झटका ऑस्ट्रेलिया को, मोहम्मद शमी आए नई गेंद के साथ और पूरी तरह से एक और मैच है, सीधी टीम झटपटा रहे तीन कैच है, पहली ओवर में वो कैच छोड़ा था, लेकिन क्या है उसी बल्लेबाज का बेहतरीन कैच, एक और बार मोहम्मद शमी इंपैक्ट डालते हुए, डेविड वॉर्नर का विकेट चटकाते हुए, कम ऑन इंडिया, किनारा स्टंप के बगल से निकली वो गेंद, सिंगल जरूर मिलेगा, बड़े गेंदबाजी का एक है, पूर्ण है, काबिलियत है, ये गेंदबाज फॉर्म में है, मोहम्मद शमी है नाम इनका, बॉल देखिए, ये बॉल कहीं भी जा सकती थी, इनसाइड एज, मुकद्दर का साथ मिला अभी मिचेल वाश को, वहां पे साइडमैन देखिए, एक साइडमैन विराट कोहली हाथ सर पे है, ये फायदा होता है ना जब आपको पता है आपके पास मैच विनिंग बॉलर्स हैं, बेशक थोड़े से कम रन बनाए हो लेकिन पता है आपके पास ऐसे गेंदबाज जो आउट कर सकते हैं, और आउट किया डेविड वॉर्नर को, हमने पूरे गेंदबाजी आप अंदर आती हुई गेंद, ये जरूर बाय के रन मिलेंगे, शोर शोर इस बार उम्मीदें जगी हुई, तारीफ होगी उनकी कप्तानी की तारीफ होगी, खैर बल्लेबाजी में वो जिम्मेदारी ले रहे, लेकिन यहाँ पे जानते मोहम्मद शमी यहाँ से खेलते हैं, चार रन मिलेंगे कुल पांच रन, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, थर्डमैन ऊपर और वो ऑफ साइड पे बाउंड्री लाइन पे स्क्वायर पे एक फील्डर जो आपको सपोर्ट करेगा, अच्छी फील्ड है, ये अच्छी फील्ड है, दो स्टिल लगा कर रखी है, थर्डमैन पॉइंट एक डी पॉइंट कर दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि चौका जल्दी जल्दी मिल जाए तो गेम खत्म हो जाएगा, आप चाहते हैं वो डॉट बॉल आए, दबाव बनाए, मेडन ओवर यहाँ पे आए तभी मैच मजा आएगा, इसीलिए फील्डिंग बहुत ज्यादा, इकोनॉमी भी 9 विकेट है और अभी ट्रैविस हेड इनके आगे 28 पे एक ओवर के बाद, बॉल मूव किया है, बॉल हिला है, बॉल मूव हुआ है, शायद पहली बॉल भी इतना ना हिला हो, धीमा पिच था पर यहाँ तापमान में गिरावट, ड्यू आएगी थोड़ी बहुत तो पेस बढ़ गई, रफ्तार बढ़ गई ऑफ द पिच, एक्साइटमेंट थोड़ा सा
सेकंड ओवर में जो लाइन और लेंथ है अपने पाले में जैसे ही खेलता है तो बहुत बड़ा शॉट खेलते हैं, बिल्कुल नहीं कतराते, 6 रन मिलेंगे। विश्वास नहीं हुआ, शॉट देखे आप, क्या शॉट मारे यहाँ पे, बहुत बलवान ताकतवर बल्लेबाज खड़े। ट्रैविस हेड भी सोच रहे होंगे नॉन स्ट्राइकर्स एंड ही बेहतर इलाका है जब बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो अपने नए जगह से आ रहे गेंद को खेले। Sometimes even the best are down. बल्लेबाज के लिए पता आपको कि सिर्फ एक दो विकेट से काम नहीं चलेगा, 10 विकेट निकालने होंगे 240 को डिफेंड करने के लिए। एक तरफ रोहित, एक तरफ विराट, सफल ओवर रहा, विकेट मेडन रहा, बहुत ज्यादा मूवमेंट होने के बाद हाई और मिसिंग लेग भी, राहुल बिल्कुल खुश नहीं और बिल्कुल कन्विंस नहीं दिखते हुए, खराब निर्णय, ये बहुत बड़ा कॉल कर रही है, बचा के क्या करोगे, ये बहुत बड़ा विकेट था। मानस लाभिषेक आए नए बल्लेबाज और कुछ इस तरीके से स्वागत, तेरासी में साउथ अफ्रीका को आउट किया था, डिफेंड करना हम जानते हैं, और मोहम्मद शामी को नई गेंद देना वो कितना बड़ा निर्णय, क्योंकि अब तक नई गेंद उनके हाथों में दी नहीं थी, यहाँ पर वो एक निर्णय सही साबित हुआ रोहित शर्मा का। और अब एक छोर से क्योंकि हेड ने उनके स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी की, आज विकेट कीपिंग कुछ बोली गिरा रही है, कोशिश करने के सामने ज्यादा रन नहीं, बिल्कुल
अच्छी है वहां से अगर कट मार देखेंगे अंदर की तरफ स्पिन हो रहा है गेंद तो बताओ गेंदबाज आप ना गेंद में कह दिया नॉटी मत बनिए फुटवर्क होता है क्योंकि लाबुशेन को हमने देखा था कुलदीप को वो कैसा खेलते हैं तबरेज़ शमसी ने बहुत परेशान करके रखा मानस लाबुशेन स्टीव स्मिथ हो सामने रविंद्र जाडेजा दे दीजिए गेंद का रंग बदल दीजिए फॉर्मेट बदल दीजिए लेकिन परेशानियों का सबब उतना बदला है नहीं लेकिन स्टीव स्मिथ और लाबुशेन दोनों का खेलना इंसान ऑस्ट्रेलिया की सोच यही कि अगर आपके टॉप टीम ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर तकनीकी रूप से दो जो सबसे सक्षम बल्लेबाज है एक दूसरे की छवि है उन दोनों की आवश्यकता इसीलिए मिडिल ऑर्डर में मानस लाबुशेन पे बहुत इस समय निर्भर करता है वजन होगा वो बोझ होगा और दूसरा ये भी कि इनके हाथ पांव बल्लेबाज आने वाले हैं उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सवेल भी जिस तरह से बल्लेबाजी करते वो भी बल्लेबाजी करते उनका भी जो गेम है उठने वाला गेम नहीं है वो भी आक्रमक अंदाज से खेल गए तो फिर लाबुशेन विराट कोहली पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बिल्कुल साथ दे रहे थे तो वो जो गहराई है जो बदला था ईशान किशन मैदान पे थे मोहम्मद शमी शायद थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिली डिग्री ऑफ टर्न हालांकि दोपहर को गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने किया है बात शाम को अंडरलाइन भारत ने किया है लेकिन डिग्री ऑफ टर्न भारतीय स्पिनर्स के साथ तो ये गेंदबाज भी किस तरह से अगर जानता की बात करें जानता वैसे भी वो ज्यादा टर्न पे रिलाय नहीं करते वो एक्यूरेसी पे रिलाय करते हैं और आएगी विकेट अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आएगी अगर इसी तरह से मैदान सूखा रहा क्योंकि स्पिन के सामने वाला चैलेंज जो ऑस्ट्रेलिया प्रदान करती है भारतीय बल्लेबाज को उससे ज्यादा चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को भारतीय स्पिन के सामने पर आपने बात की वो जो बल्लेबाजी पैट कमिंस की मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी बल्लेबाजी थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे घुमाव इस वक्त मिल सकता है सिराज की जो गेंद है वो शायद